अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? नाउ वी आर स्टार्टिंग रिवीजन. वी हैव कंप्लीटेड आवर सिक्स चैप्टर्स. सिक्स चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड वी हैव रेड देम ऑल. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर वन एंड इट्स आर रिवीजन. यूनिट वन, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा. अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरल चार्म एंड ब्यूटी. अरब हुसन और खूबसूरती की बेमिसल सरजमीन है. लैंड सरजमीन, अनपैरल बेमिसल चार्म एंड ब्यूटी, हुसन और खूबसूरती. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, अपने रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहराओं के साथ. इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, मंतका हारा के सूरज की रोशन किरणों में. अब इस पूरे को हम कैसे पढ़ेंगे? अरब मंतका हारा के सूरज की रोशन किरणों में, अपने रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहराओं के साथ, हुस्न और खूबसूरती की बेमिसल सरजमीन है. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स. इसके सितारों भरे आसमान ने शोरा और सियाहों के तखय्युल को तहरीक दी है. एक्साइटेड का क्या मतलब है? तहरीक देना. इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का. इसी सरजमीन में, मक्का के शहर में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. विच इज़ अबाउट 50 miles फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहीरा कुलजम से 50 किलोमीटर दूर है. इसी सरजमीन पर, मक्का के शहर में, जो कि बहीरा कुलजम से 50 मील दूर है, रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. अहले अरब हैरान कुन हाफ़ज़े के मालिक थे और वो खुशगुफ्तार लोग थे. एलोक्वेंट, खुशगुफ्तार. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री. उनकी खुशगुफ्तारी और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है. एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन एट उकाज. हर साल उकाज के मकाम पर शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था. इट इज़ नरेटेड दैट हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद. कहा जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 long poems. मैं आपको हरूफ अबजद के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसीज, जिसमें छोटे अशार शामिल नहीं होंगे. एंड ऑल ऑफ दैट वॉज कम्पोज एक्सक्लूसिवली बाई पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम. और ये सारा का सारा कलाम इस्लाम से बिला शिरकत गैर इस्लाम की अशात से पहले के शोरा का लिखा हुआ होगा. एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है बिला शिरकत गैर या सिर्फ और सिर्फ. कम्पोज मतलब लिखा हुआ, तहरीर किया हुआ. प्रोमलगेशन अशात, टेकिंग इन टू अकाउंट का होगा गिनती में लाना या शुमार करना. बस यही है इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड. ये कोई मामूली हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हतमी अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को चुना. फाइनल डिस्पेंसेशन, हतमी अशात, प्रिजर्वेशन, हिफाजत. इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. 5वीं और 6ठी सदियों में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी. वर्ज का मतलब होता है दहाना, किनारा. chaos, तबाही. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसे फलने फूलने में 4000 साल लगे थे, अब बिखरना शुरू हो गई थी. क्रम्बलिंग, बिखरना.
At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift humanity from ignorance into the light of faith. And usi waqt Allah Taala ne insaniyat ko jahalat se iman ki roshni ki taraf le jane ke liye unhi mein se ek Rasul ko maboos farmaya. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, jab Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki umar 38 saal thi, he spent most of his time in solitude and meditation. तो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे. Meditation, मराकबा. Solitude, तन्हाई. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक और पानी के साथ गारे हिरा में गोशा नशीनी इख्तियार किया करते थे और दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारा करते थे. द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज. इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी थी. हिज हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी दर्दमंदी से लबरेज था. ओवरफ्लोइंग लबरेज था. प्रोफाउंड गहरी या शदीद कंपैशन मोहब्बत हमदर्दी या दर्दमंदी. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव सोशल इवल्स क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद माशर्ती बुराइयों जुल्म और नाइंसाफी को जड़ से उखाड़ने की शदीद ख्वाहिश रखते थे. प्रेसिंग अर्ज शदीद ख्वाहिश इरेडिकेट जड़ से उखाड़ना या ख़त्म करना. द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोर्ड विद नबुवत. वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से नवाजा जाना था. वन डे एक दिन व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे. हज़रत जिब्राइल केम. हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम तक अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुँचाया. रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड. अपने रब के नाम से पढ़. हु क्रिएटेड जिसने पैदा किया. क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड. इंसान को जमे हुए खून के लोतड़े से पैदा फरमाया. कंजील्ड ब्लड जमा हुआ खून. क्लॉट लोथड़ा. रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल. पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है. हु टॉट द यूज़ ऑफ द पेन जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया. टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था. स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी नरेशन की प्रैक्टिस करते हैं. मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि हम लोग जो है जब एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो फिर उसमें हम कुछ चेंजेस लेकर आते हैं. ठीक है तो हम सब आज अब हम पहले सबसे पहले प्रोनाउंस की चेंजेस सीख रहे हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं. अब तक हम ये सीख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन मौजूद होते हैं हम उनमें चेंजिंग लेकर आते हैं जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ले जाते हैं. ठीक है अब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था फर्स्ट पर्सन अगर मौजूद है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसको कैसे चेंज करेंगे. तो हमने सीखा था कि फ़र्स्ट पर्सन जो कि क्या होता है आई वी और उसके तमाम केसेस उनको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. ठीक है अब हम सीखेंगे आज सेकंड पर्सन. अगर सेकंड पर्सन मौजूद है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसका क्या होगा. सेकंड पर्सन क्या होता है यू. यू सेकंड पर्सन होता है. अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं यू मौजूद है तो जब ये फिकरा जो है इनडायरेक्ट में आ जाएगा तो इस यू की जगह पे क्या प्रोनाउन आएगा इसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. इसको चेंज करते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. अब जैसे ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला जो पार्ट है शी सेज टू हर. अब इसमें ये ऑब्जेक्ट कौन है हर. मतलब ये कि अब हम इस रिपोर्टेड स्पीच के यू को चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंगली. ठीक है शी सेज टू हर यू आर नाइस. शी टेल्स हर
दैट शी इज नाइस। अब हमने यू की जगह हर के अकॉर्डिंगली शी लगा दिया, तो फिर आर जो है आर की जगह हमने इज लगाना है। क्यों? क्योंकि अब जब हमारा प्रोनाउन ही चेंज हो गया है, शी आ गया, तो शी के साथ आर तो नहीं लग सकता ना, फिर इज लग जाएगा। दे से टू हिम यू आर हैंडसम, दे टेल हिम दैट ही इज हैंडसम। अली सेज माई सिस्टर डज नॉट हेल्प मी, अली सेज दैट His sister does not help him. His sister does not help him. Salma says, My mother cooks food for me. Salma says that her mother cooks food for her. He says, I do not take exercise. He says that He does not take exercise. She says you are intelligent. अब इस सेंटेंस का क्या होगा, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू भी आया हुआ है, लेकिन साथ में ही हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। तो फिर अब क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, हम फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन यूज़ कर लेते हैं। खुद से ही हम लोग फर्स्ट या सेकेंड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करना है, शी सेज That I am intelligent. I यानी first person में इसको ले जा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं she says that he is intelligent. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन्हीं sentences से मिलते जुलते 5 sentences आपने लिखने हैं direct में, फिर उनको indirect में change करना है, और homework के तौर पर आपने school में submit करवाना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।